मेरी तो अभी तक दाढ़ी है नहीं, मैंने रखनी क्या है? जब हर कमेंट पे अपना बैकग्राउंड चेंज करेंगे। अच्छा तुम भैया हमारा कमेंट है अली रजा रेश, तो भैया कमेंट है हमारा अली रजा। तो भैया अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या ठीक ठाक खरिया नाल सुमैद आप सामने अला दी और तू साडे दे पे YouTube चैनल दी ता मुंडा। मैं उम्मीद करता हूं मेरे सब व्यूअर खरिया सो। आज का अपना मजेदार व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो जो भाई भी देख रहे हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देने ताकि मेरे हम वीडियो तब पहले पहुंच सके। कौन खड़ा है? सुमान है ना? ए ये कौन है? अहमद हसन। नाम तो अपना अहमद हसन। उस्मान है ना? तुम क्या करने आए इधर? कुछ नहीं, आज का हमारा बहुत मजेदार व्लॉग होने वाला है। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर गिनो। तो वाला अपने करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो मैं देखो मैं किधर खड़ा हूँ, ये देखो अपनी घास में खड़ा हूँ, ये देखो प्यारी आपको ये घास नजर आ रही। देखे ना यार, मौसम बहुत खराब था लेकिन अब मौसम बिल्कुल ठीक हो गया है, धूप निकल रही है। मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये देखो आपको थोड़े थोड़े वो बदल भी नजर आ रहे हैं। ये देखो कौन खड़ा है। आज का हमारा बहुत मजेदार व्लॉग आने वाला था। आज मैं आपको बता देता हूँ, जो वेला मुंडा था उसने मुझे बोला है कि आपने मेरे कमेंट्स जो आते हैं ना मेरी वीडियो पे उसका रिप्लाई आपने करना है, तो मुझे उसने इजाजत दे दी है। तो पहले हम ना अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चल के देखते हैं कि उसने मुझे इजाजत दी है या नहीं। तो आप समझ रहे हो आप झूठ बोलो, तो मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर चल के दिखाता हूँ। दोस्तों अब हम आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, चलते हैं व्हाट्सएप ओपन करते हैं। तो ये रही हमारी व्हाट्सएप, लॉक खोलते हैं। लॉक खोलते ही हम वेला मुंडा के ग्रुप में आ गए हैं। तो यहाँ पर मैं उसकी आपको फोटो दिखा देता हूँ वेला मुंडा की। ये रही उसकी फोटो। तो उसने मुझे ना पहले सलाम भेजा, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है एडी कैसे है। तो मैंने कहा जवाब दिया वालेकुम सलाम ठीक ठाक, तू सुना मलिक शहजाद कैसा है। तो आगे उसने लिखा है मैं भी ठीक हूँ। मैंने आगे बोला है अच्छा अच्छा। मैंने उससे आगे बोला है मलिक शहजाद आपसे एक काम था। उसने बोला है बोलो जी यार मैं तुम्हारे कमेंट्स का जवाब दे सकता हूँ। उसने आगे क्या बोला है, उसने आगे क्या बोला है देखो। जी जी मैं आपको पहले ही कहने वाला था यार। मैंने कहा, मैंने आगे बोला है थैंक्स यार। तो अब हम आ गए फेस टू फेस। तो आपने वो तो देख लिया होगा वेला मुंडा ने मुझे कमेंट्स का रिप्लाई करने की इजाजत दी है या नहीं दी, वो तो आपने देख लिया होगा। तो अब मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ, मैं आपको कमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। अब हमने क्या पढ़ के सुनाना है? कमेंट सुनाने से पहले आपने मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। भला अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। जहाँ पे पहला कमेंट है, पहला कमेंट है एयाज बलोच। तो वो क्या कहता है वो क्या कहता है? तो वो कहता है शहजाद भाई दाढ़ी आपको प्यारी लगती है, दाढ़ी रख लो, हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। जी वो तो सबको पता है कि दाढ़ी रखना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरी तो अभी तक दाढ़ी है नहीं, मैंने रखनी क्या है? जब मेरी दाढ़ी आ गई तो इंशाल्लाह मैं अपनी दाढ़ी रखूंगा। एक और आपको बात बताऊँ कि हर कमेंट पे अपना बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो बिया कमेंट है, पहले बैकग्राउंड चेंज करते हैं। बिया कमेंट है हमारा जी, आ जाओ दौड़ो। अच्छा तुम भी आ गए। तो हमारा बिया कमेंट है अल्लाह पाक हम सब पांच वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। शरारती लोग ने चैनल का नाम है शरारती लोग, उसने लिखा है जी भाई अल्लाह पाक हम सब को, जी अल्लाह पाक हम सब को पांच वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अपने भी कमेंट्स में लिखना आमीन। तो भैया हमारा कमेंट है, तो हम अपना बैकग्राउंड चेंज करते हैं। भैया हमारा कमेंट है अली रजा रेश। oh, no. तो भैया कमेंट है हमारा अली रजा। तो भैया कमेंट है हमारा अली रजा कुरेशी। वो बोलता है आ जाओ तुम भी। अली रजा कुरैशी बोलता है माशाल्लाह नाइस शेयरिंग ब्यूटीफुल, अल्लाह पाक आपको मजीद तरक्की दे शहजाद भाई। जी अल्लाह पाक आप सबको भी तरक्की अता फरमाए और शहजाद भाई को और ज़्यादा तरक्की दे। तो हमारा भैया कमेंट है, तो बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो भैया कमेंट है जी हमारा MR_QA पाकिस्तान।
इसका पता नहीं यार, मतलब क्या आपने कमेंट्स में बताना है कि इसका क्या मतलब है। तो इसने लिखा है अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे और हम सब को भी अल्लाह पाक खुश रखे। तो भैया कमेंट है हमारा नाज मलिक, भैया कमेंट है हमारा नाज मलिक, सॉरी सॉरी नियाज मलिक। तो उसने लिखा है होंडा लेके दो भाई शहराज को। मैं तो होंडा नहीं लेके दे सकता भाई भाई शहराज को। हाँ हाँ हाँ, उसने भाई ठीक लिखा, क्योंकि ये कमेंट चाहे मलिक शहजाद का उसने ठीक लिखा। तो मैंने समझा कि मुझे कह रहा, तो मैं तो होंडा नहीं उसको लेके दे सकता। उसने लिखा है कि मलिक शहजाद भाई आपने अपने शहराज भाई को ना होंडा 125 125 मोटरसाइकिल लेके दो। तो मैं भी कहूँगा मलिक शहजाद को कि अपने मलिक शहराज भाई को मोटरसाइकिल लेके दो। तो भैया कमेंट है हमारा शाह जी ब्लॉग, तो भैया कमेंट से हमारा शाह जी ब्लॉक। तो उसने लिखा है कसम नाल शहजाद भाई तेको दाढ़ी सोनी लगती है। भाई मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरी दाढ़ी नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, मलिक शहजाद का बोल रहा है। अच्छा अच्छा, तो ये थोड़े से थे हमारे कमेंट्स जो मलिक शहजाद ने मुझे बोला था कि आपने इन कमेंट्स का रिप्लाई करना है। तो जहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड, अगर आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब। हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। क्या बोला, सब्सक्राइब। ये भी कह रहे हैं कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, वला नई वीडियो में मिलेंगे।